بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد उम्मीद करते हैं कि वॉइस क्लियर है और स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे किताब बिनाउल अफ़आल, तहजीब बिनाउल अफ़आल, और उसमें हम लोगों ने मुजर्रद फ़ेल का के अबवाब जो है वो हम कर चुके हैं, मुजर्रद फ़ेल के अबवाब हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने क्या किया, छः बाब हम लोग किए हैं, ठीक है। नसरा यंसुरु, दौरब यद्रिबु, फतह यफ्तहु, अलिम यअलमु, ठीक है, और वरीसा यरीसु, और हसुना यहसुन। ये छः बाब जो है हम लोग कम कर चुके हैं। और ये जो फेल हम लोग डिस्कस किए हैं जिसमें इसमें जो हरूफ थे वो सिर्फ तीन थे, ओनली थ्री लेटर्स। जो फेल हम किए हैं उस फेल के फेल का जो माधी का सीगा है या मुदारे में भी जो या कम से कम मादी में तो जो हरूफ थे वो तीन थे, जो भी फेल में कर चुके। जैसे मसलन ना सारा तीन हर्फ है ना, दौराबा तीन हर्फ है, ठीक है, समिया तीन ही हर्फ। तो तीन हर्फ वाला फेल हम लोग अब तक कर किए हैं, जिसको कहते हैं तीन है तो बस तीन ही है, ठीक है, तीन है तो सिर्फ तीन ही है, और उसको क्या कहते हैं, मुजर्रद। मुजर्रद से मुराद खालिस, ठीक है, ओनली थ्री, ओनली एंड ओनली थ्री, ठीक है, मुजर्रद सिर्फ तीन। तो सिर्फ तीन ही हर्फ था जो भी हम लोग फेल डिस्कस अब तक किए हैं। अब जो फेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब जो फेल हम लोग पढ़ने वाले हैं उस फेल को कहते हैं क्या, मजीद। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, मजीद फेल, ठीक है, मजीद फेल। तो मजीद से मुराद क्या होता है, मजीद से मुराद एक्स्ट्रा, ठीक है, मजीद फी ही कहते हैं। कैसा फेल हम लोग करने वाले हैं अभी, मजीद फी ही, ठीक है, मजीद फी ही, यानी अलिफ लाम लगा सकते, चलिए, अल मजीद फी ही, माने एक्स्ट्रा होता है फी ही। ही से मुराद क्या है, फेल, ही दमीर से मुराद क्या है, फेल। उस फेल में क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, अल मजीद फी। तो हम लोग ऐसा फेल अब करने वाले हैं जिस फेल में एक्स्ट्रा होता है। क्या एक्स्ट्रा होता है, हर्फ एक्स्ट्रा होता है। वो असल में होता क्या है, वही सुलासी फेल होता है। तीन हरूफ वाले फेल को क्या कहते हैं, सुलासी, ठीक है, तो सुलासी, ठीक है, सुलासी, यहाँ पे शब्द है सुलासी, सुलासी। तो सुलासी फेल ही है वो, यानी कि ओरिजिनली तीन हर्फ रहता है, तीन हरूफ पाए जाते हैं जो हम लोग फेल अभी करने वाले उसमें, ठीक है। तो सुलासी वो भी था, नसरा, दौराबा, समिया वगैरह, और सुलासी ये भी है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन इस तरह का सुलासी जो हम अब करने वाले हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो वही बताने के लिए कहा जाता है क्या, अल मजीद फी, यानी कि जो सुलासी हम लोग अभी करने वाले हैं उसमें क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा, ठीक है, अल मजीद फी, यानी कि उस फेल में क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, तो हम लोग आज सुलासी मजीद फी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें हम लोग कितने बाब किए हैं, छः, ठीक है, छः बाब हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो अभी जो हम लोग फेल करने वाले हैं उसमें भी आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
इसना अशारा, इसना अशारा का मतलब क्या होता है? इसना अशारा मतलब इसना बारह, बारह, ठीक है। इसना अशारा बाबन, बारह बाब होते हैं, ठीक है। मिनहा, इसके बारह बाब होते हैं। इसना अशारा बाबन मिनहा, ठीक है। यानी कि फेल सुलासी जो हम लोग करने वाले हैं उस इस तरह के फेल में सुलासी कौन सा है? ली सुलासी, ली माने की के लिए, सुलासी के लिए या सुलासी के होते हैं, फेल सुलासी के होते हैं। कितने बाब? बारह बाब इसना अशारा। और ये कौन सा फेल सुलासी है? अल मजीद फी, ठीक है। ये मजीद फी है, कैसा फेल सुलासी है? मजीद फी, यानी मजीद फी में कितने बाब होते हैं? बारह बाब, ठीक है। और फिर इस बारह को तकसीम किया गया है, वह हुआ सलासतु अनवाइन, तीन में। तो आज के लिए इस किताब को अभी फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा कुछ अलग से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू जानकारी लेते हैं कि मजीद फीही में जो हरूफ ऐड होते हैं वो कैसा दिखता है। इसका आपको कुछ कुछ आइडिया पहले से ही होगा, ठीक है, क्योंकि बुक टू में कुछ हम लोग इसका कायदा कवर कर चुके हैं, ठीक है। और बुक थ्री में तो वैसे भी आने वाला ही है। तो ये जो कोर्स का मकसद ही यही है, सिर्फ जो हम लोग अलग से सीख रहे हैं ताकि बुक थ्री के लिए, तो ये बुक थ्री का सफर हमारे लिए क्या हो और आसान हो जाए इंशाल्लाह, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ये वैसे भी आने वाला है बुक थ्री में, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग बाब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस किताब में अब अलग अलग क्या है, बाब पढ़ाया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। अलग अलग बाब अब पढ़ाया जाएगा इस किताब में। अब इस किताब में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो बाब है, एक एक बाब यहाँ पे बताया जाए, अफ़अला, युफ़इलू वगैरह, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक पहले एक बार जान लेते हैं कि किस तरह का फेल, एक एक हर बाब में जाने से पहले हम लोग एक खुलासा ले लेते हैं या जनरल आइडिया ले लेते हैं कि आखिर होता क्या है, क्या क्या तब्दीली या कैसा कैसा फेल, किस तरह का फेल पाया जाता है इस बाब में, ठीक है। जैसे कि इसकी मिसाल एक बार हम दे चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं मतलब समझाने के लिए। जैसे कि अगर आपको किसी के घर जाना हो, कोई लोकेशन में जाना है, डेस्टिनेशन जाना है, तो अगर आप गूगल मैप्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, तो आपको मैप दिखाता है, अच्छा यहाँ से निकलना है और यहाँ जाना है, ठीक है। आपको जूम इन करके व्यू दिखा देता है गूगल मैप्स, क्या करता है, जब आप लोकेशन सर्च करते हैं फ्रॉम टू, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो आपको जूम इन करके दिखा देता है यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट इतना किलोमीटर, इतना मीटर तक आपको आगे बढ़ना है, दिखाता है ना, ठीक है। तो इसका इस फेल से क्या ताल्लुक है? हाँ ताल्लुक है क्या, लेकिन इंसान क्या करता है, अब उस मैप को थोड़ा जूम आउट करता है कि नहीं, एक बार जूम इन करके दिखा दिया गया है कि भाई देखो आप यहाँ से शुरू करना, अब इंसान क्या कर रहा है, मैप को थोड़ा देख रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, आगे बढ़ना। लेकिन वो इंसान क्या करता है, या हम लोग क्या करते हैं, उसको जूम आउट करते हैं मैप को, ठीक है, मैप को जूम आउट करते हैं, माने मैप को और थोड़ा ऊपर से देखते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि भाई सफर शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मैप तो आपको जूम करके दिखा देता है एकदम अंदर, एकदम नीचे का, एकदम अंदर करके, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं पूरा एक बार मैप ऊपर से देखना है कि आखिर शुरू कहाँ से होगा सफर और ख़त्म कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम लोग भी एक एक बाब में या जूम इन करने से पहले क्या करते हैं कि पहले जूम आउट करके देख लेते हैं कि आखिर किस तरह का फेल इस बाब में पाया, कैसे क्या किस तरह का फेल इस बाब में पाया जाता है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक ओवरव्यू खुलासतन कुछ जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का फेल इस बाब में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वाइट बोर्ड जो है वो खोलते हैं हम लोग, चलो ठीक है, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना आप लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, फेल सुलासी मजीद वो इसकी मिसाल में से एक फेल लेते हैं जो मशहूर एग्जांपल है, जो पहले भी हम इस तरह की मिसालें दे चुके हैं, वही मिसाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान है समझाना, ठीक है।
उसने कबूल किया, कौन सा फेल इसके लिए इस्तेमाल होता है, ही एक्सेप्टेड, उसने कबूल किया, फेल बताइए क्या फेल है, ही एक्सेप्टेड का फेल क्या है अरबी में, क्या कौन सा फेल है, उसने कबूल कर लिया, ही एक्सेप्टेड, कबूल यकबुलू। कबीला, ठीक है कबीला, बहुत अच्छा कबीला, कबूला नहीं कबीला, ठीक है कबीला, कबीला यकबल होता है। तो कबीला जो फेल है, कैसा फेल है, फेल क्या कहेंगे इस फेल को, फेल सुलासी है या फेल मजीद फी है, सुलासी मजीद फी है, सुलासी मुजर्रद है, क्या है ये, सुलासी मजरद है। हम मुजर्रद है, सही, ठीक है। मजीद फी तो हम करेंगे, मजीद फी कहते हैं किस फेल को, जिस फेल में एक्स्ट्रा हुरूफ डालते हैं। तो कबीला जो है ये फेल है सुलासी है, कबीला क्या फेल सुलासी है, फेल सुलासी, लेकिन सुलासी में मुजर्रद है ये, ठीक है फेल सुलासी में क्या है ये, मुजर्रद है, ठीक है। तो तीन है, और तीन है तो तीन ही है, ठीक है तीन है तो सिर्फ तीन ही है ये, ठीक है। तो कबीला हो गया भाई, उसने कबूल किया, ही एक्सेप्टेड। तो इसका मुदारे भी होगा, देर से बात है, ये कबीला कौन से बाप में, समिया या आलिमा, कबीला तो मुदारे क्या होगा, फतह होगा, आयन कलीमा में मुदारे क्या हो जाएगा, कबीला यकबलू, यकबलू। ठीक है बहुत अच्छा, कबीला यकबलू हो जाएगा, कबीला यकबलू, ठीक है ये तो इजी है। तो ये देख रहे हैं कबीला यकबलू मुदारे इसका, ठीक है खैर अभी मुदारे पर फोकस नहीं करना है, तो कबीला यकबलू, तो अब जो है कबीला यकबलू हो गया। तो बुनियादी हुरूफ जो कबीला में है वो काफ है, बा है और लाम है। अब देखते हैं, काफ है, बा है और लाम, ये बुनियादी हुरूफ है ना, काफ बा और लाम, ठीक है। तो हाँ अरब वाले ने क्या किया कि उन्होंने इस्तेमाल किया कि कबीला यकबलू, उसने कबूल किया। तो अब अरब वाले ने एक इसी फेल के बुनियाद पे, इसी फेल में कुछ इजाफा किया, कुछ एडिशन, मजीद हुरूफ में इजाफा किया। कौन सा हुरूफ था, ये जो मिडिल लेटर है यानी कि आयन कलम है यानी कि बा, इसको क्या किया अरब वाले ने, डबल किया, अरब वाले ने क्या किया इसको, डबल किया। तो डबल किया इसका मतलब क्या होगा, शद्दा, ठीक है शद्दा, और कसरा नहीं रखा, कसरा यहाँ पर है तो यहाँ कसरा नहीं है, ठीक है अरब वाले ने शद्दा शद्दा दिया और कसरा पड़ा, तो फतहा पड़ा उसको, तो क्या बन गया ये, कब्बला, ठीक है कब्बला। तो अब बताइए कबीला और कब्बला में डिफरेंस क्या है, हरूफ के एतबार से, हुरूफ के एतबार से क्या डिफरेंस हुआ, क्या फर्क है हुरूफ के एतबार से, क्या डिफरेंस है, कितने हुरूफ है कबीला कबला में, कितना क्या हुरूफ चेंज, कौन से कितने हुरूफ है और क्या चेंजिंग हुआ इसमें, कबला में चार हरूफ हो चार गया, हो बा गए डबल हो गया, जी, बा बा डबल हो डबल गई, ठीक है। तो कौन कौन सा कलिमा डबल हो गया कहेंगे, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, कौन आयन सा कलीमा, कलिमा, आयन आयन कलिमा, बहुत कलीमा, अच्छा सही, बहुत अच्छा बारकल्लाह फी, आयन कलिमा जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है आयन कलिमा डबल हो गया, सही। तो अगर इसको हम लोग एक वजन वजन के तौर पर इसको ये करें तो कह सकते हैं कि ये तो वजन बेसिक है, आप पता है आपको, फ़ाला या फ़ाउला या फ़ाइला, तो ये वजन ये है, ठीक, फ़ाइला तो फ़ाइला लिख देते, चलिए फ़ाला भी हो सकता है, तो फ़ाइला है, फ़ाउला फ़ाला भी हो सकता है, फ़ाउला, तो तीनों जायज है। कबीला में तो सिर्फ कसरा होगा उस माने में, ठीक है। तो अच्छा, तो इसका वजन क्या हो जा रहा है फिर, इसका क्या वजन हो जा रहा है, फ़ाला। फ़ाला, हाँ सही फ़ाला, इसमें एक ही वजन है, ठीक है
इसमें दमा दम्मा भी दे दिए कसर फतहा भी दे दी, क्यों? क्योंकि बताने के लिए कि ये तीन जो हरूफ वाले फेल है मुजर्रद, मुजर्रद में आइन कलिमा चेंज हो सकता है, किसी फेल में कसरा होगा जैसा कबीला में कसरा है, नसरा में फतहा है, और करूमा या कुरुमा में दम्मा है बीच में, ठीक है, इसलिए तीन हरूफ दे दिया गया। तो ये देखिए अरब वाले ने एक नया सीगा बनाया, नया पैटर्न, नया वजन तैयार किया। ये भी फेल है, ये भी फेल है, और ये भी फेल मादी है, ये मादी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये भी फेल क्या है, फेल मादी है, ठीक है ना, ये भी कौन सा फेल है, फेल मादी है। फअला, आइन कलिमा डबल हो गया। हाँ, तो अब अरब वाले ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह है करने का, क्यों किया अरब वाले ने ऐसा, क्या वजह है करने का, ताकि क्या निकले यहाँ से, नया मीनिंग, जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं किया, बेवजह नहीं किया गया, न्यू मीनिंग निकालने के लिए, ताकि नया मीनिंग क्या हो, क्रिएट हो जाए, नया मीनिंग पैदा हो। इसलिए क्या हो, आप देख रहे हैं कि आइन को डबल कर दिया गया, यहाँ पे आइन डबल है ये इजाफा हुआ यहाँ पे शद्दा, ठीक है, आइन डबल हो गया, तो बा डबल हो गया कब्बला, और जाहिर सी बात है मीनिंग भी सबका है, ठीक है, कबीला का मतलब हो गया क्या, ही एक्सेप्टेड, कब्बला का मतलब क्या होगा फिर, कब्बला का मतलब क्या हो जाएगा, कब्बला इसका मतलब हो गया ही एक्सेप्टेड, ठीक है, उसने कबूल किया, और कब्बला का मतलब क्या हो जाएगा, ही किस्ड, ठीक है, उसने बोसा लिया, तो इसका मतलब है कि बोसा लिया या किस किया, यानी कि क्या बहुत अच्छे से कबूल किया, है ना, तो माने में कुछ ताल्लुक रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ माने में कुछ ताल्लुक नहीं रहता, अक्सर जो ये फेल बनता है ना एक बाप से दूसरे बाप में चले जाता है या मुजर्रद से मजीद में चले जाता है। तो आप देख सकते हैं कबीला का मतलब है उसने कबूल किया, और कब्बला का मतलब है कि उसने किस किया, उसने बोसा लिया, ठीक है, ही किस्ड, तो भाई कबूल किया और किस किया तो मीनिंग अलग अलग है क्या, हाँ मीनिंग तो अलग अलग है लेकिन थोड़ा ताल्लुक तो है ना, एक इंसान किसी बच्चे को अगर बोसा लेता है या उसको किस करता है तो कबूल ही ना कर रहा है तरीके से, बच्चे को अच्छे तरीके से कबूल कर रहा है कि नहीं, तो कुछ ताल्लुक भी रहता है जब एक फेल मुजर्रद से मजीद में आ जाता है, ठीक है, अक्सर ताल्लुक रहता है, कभी कभी ताल्लुक नहीं भी रह सकता है, यानी मजीद का मुजर्रद से कुछ लिंक रहता है, कुछ मीनिंग सिमिलर एक जैसा टाइप का, कुछ मीनिंग कुछ उसका ताल्लुक का ताल्लुक रहता है, कनेक्शन रहता है मीनिंग से, मजीद का मीनिंग मजीद का मुजर्रद से कनेक्शन ऐसा रहता है, ठीक है। अच्छा कब्बल, अच्छा उसके बाद में तो ये कब्बला बना। अब इसका जो है कब्बला का फिलहाल मुदारे को हटा देते हैं, मुदारे कैसे बनता है, मुदारे को भी छोड़ देते हैं, कब्बला से युकब्बिलु बनेगा, ठीक है, कब्बला युकब्बिलु। अच्छा तो और देखते हैं, यही वर्ड चल रहा है अभी भी, ठीक है, काफ बा और लाम, मेरे ख्याल से बुक टू जब हम लोग कर रहे थे, जब अरादा युरीदु फेल आया था तब हम लोग इस तरह की कुछ चीज किए थे मेरे ख्याल से, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम। अच्छा काफ बा और लाम, ठीक है। अच्छा और अब देखते हैं और मजीद, और भी क्या अरब वाले ने फेल बनाया है मजीद फेल, यही है काफ बा लाम को इस्तेमाल करते हुए। और एक एक्स्ट्रा अरब वाले ने क्या किया है कि हमजा को डाला, हमजा, और काफ में क्या किया, सुकून, और बा में फतहा और लाम में भी फतहा, तो ये क्या बन गया, अकबला, ठीक है, अकबला। अकबला का अब तो वजन क्या होगा, कौन बताएगा वजन क्या हो गया इसका, फिर वजन क्या है अकबला का, ब्लू में वजन लिखे कि ये वजन किस तरह का, क्या ऐड हुआ अकबला में, फेल तो वही है अफ़ाला, अफ़ाला, हाँ बहुत अच्छा, अफ़ाला, ये वजन हुआ अफ़ाला। तुम कह सकते हैं अरब वाले ने एक और फेल तैयार किया, ठीक है, एक और फेल तैयार किया और जिसमें मीनिंग क्या है, जिसमें वजन क्या है, वजन जो है अफ़ाला का वजन है, ठीक है। तो अरब वाले ने ये फेल को तैयार किया, या मजीद फेल बनाया, ओरिजिनल कौन सा फेल था, ओरिजिनल तो वही कबीला है, कबीला में हमजा को ऐड किया, ठीक है, अरब वाले ने कबीला में क्या ऐड किया, हमजा को, और फिर आप देख रहे हैं कि हमजा ऐड करने से ये हमजा ऐड हुआ यहाँ पे, और वो मीनिंग वो क्या हो गया, अकबला हो गया, ठीक है।
एडिशन किया यहाँ पे एक्स्ट्रा, मजीद मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा ना, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कौन सा इस फेल में एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, वही फा आयन लाम था उसी में, जैसे इसमें आयन डबल हो गया था, इस तरह का फेल में क्या हो रहा है हमजा ऐड हो जा रहा है, तो क्या बन गया ये अफ आला, तो इस वजन में फेल क्या हो गया अकबला, ठीक है अकबला ये वजन हो गया। तो अकबला का मतलब क्या होता है, अकबला का मीनिंग क्या होगा, अकबला का मीनिंग क्या होगा, अकबला, ठीक है क्या लगता है आपको उसने क्या किया, इस्तकबाल करना होता है क्या, इस्तकबाल का माने तो है इस बाब में, ठीक है, लेकिन अकबला का मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, अकबला का मीनिंग क्या है, वो आगे बढ़ा, ठीक है, वो आगे बढ़ा, ठीक है, अब उसने अप्रोच किया, ठीक है, वो आगे बढ़ा मतलब वो आगे बढ़ा किसी के तरफ आगे बढ़ा, ठीक है, इस तरह का मीनिंग इसमें पाया जाता है। और इस तरह से इसके अलावा भी कुछ मीनिंग हो सकता है, ठीक है, ये है कि उसने अप्रोच, ठीक है, यही एडवांस, ठीक है, वो आगे बढ़ा, ही मूव्ड फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरह का मीनिंग इसमें आता है, ठीक है, मिलता जुलता और भी कुछ माने इस तरीके से हो सकता है, डिक्शनरी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो करीब हुआ, मैंने करूँगा का मीनिंग कह सकते हैं इसमें, करूँगा या करूँगी, ठीक है, वो करीब हुआ, वो पास आया, ठीक है, ही मूव्ड फॉरवर्ड, इस तरह का मीनिंग है, ठीक है, फिर ही मूव्ड फॉरवर्ड ये माने करते हैं वो आगे बढ़ा, इस तरह का मीनिंग इसमें आएगा, ठीक है, ही अप्रोच्ड, ही केम, इस तरह का मीनिंग जा सकता है, ठीक है, वो आगे बढ़ा, ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, ही मूव्ड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ा, समझ रहे हैं ना, तो ये अब देख रहे हैं फेल वही है, एक्चुअल फेल क्या है, तो मुजर्रद फेल क्या है, या मुजर्रद फेल वो कबीला है, ठीक है, इसको अलग से थोड़ा सा लाइन टान देते तो समझ में आएगा। तो ये जो फेल है यहाँ पे ये क्या है, हाँ तो बहुत ज्यादा मूव हो रहा है मेरा, ठीक है यहाँ इसको ये कर दिए हैं, मतलब ये कबीला जो है ये मुजर्रद है, राइट साइड में जो फेल है इस ऑरेंज लाइन के राइट दाहिने तरफ जो देख रहे हैं ये मुजर्रद फेल, अब इस ऑरेंज लाइन के लेफ्ट साइड में ऑरेंज या येलो जो भी है इसके लेफ्ट साइड में फेल क्या है, ये सब मजीद फेल है, ओरिजिनल फेल कबीला है जो मुजर्रद है, तीन फेल, थ्री हरूफ ओनली, तीन लेटर्स ओनली, ठीक है, अब यहाँ पे तीन लेटर के ऊपर में एक्स्ट्रा लेटर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और न्यू मीनिंग, नया मीनिंग क्रिएट हो रहा है, ठीक है, नया मीनिंग बन रहा है, फ़ाला वजन तैयार हुआ जिसकी मिसाल कब्बला, उसके बाद अफ़ाला वजन तैयार हुआ जिसकी मिसाल क्या है, अकबला, वो आगे बढ़ा, ठीक है, इसके और भी मिसाल है, अनजला उसने नाजिल किया, ठीक है, इस तरह अखरजा उसने निकाला, ठीक है, इस तरह का मीनिंग है, इसका मुदारे क्या होता है, अभी मुदारे में ही जाते हैं, ऐसे जान लीजिए अकबला युकबिलु अफ़अला युफ़अलु, मुदारे में हमजा ऐड हुआ है ना, मुदारे में हमजा गायब हो जाता है, चले जाता है, ठीक है, खैर उसको करेंगे जब उस बाब में आएंगे हम लोग, तो ये एक बाब बन रहा है, ठीक है, अच्छा और देखते हैं, ख़त्म हो गया क्या कबीला, नहीं और भी अरब वाले ने इस कबीला से ही आफ बा लाम से ही और भी माने तैयार किए, और भी माने बयान बनाया है, ठीक है, जैसे कि ये काफ, ठीक है, और बा और लाम, ठीक है, तो अरब वाले ने और क्या इजाफा किया, ये सीगा हो गया काफ बा लाम, हाँ अरब वाले ने क्या किया, एक और वजन बनाया क्या, काबला काबला, ठीक है काबला, तो इसका वजन फिर क्या हो गया काबला, कौन से वजन में आएगा, फिर क्या कहेंगे हम, फाअला फाअला, हाँ बहुत अच्छा फाअला,
फाला, तो ये भी एक फेल है फाला के कब, ये भी फाला भी क्या है, एक फेल का वजन है फाला, ठीक है। फाला काबला, काबला का मतलब क्या होता है, काबला उसने मुकाबला किया, मुकाबला मतलब क्या होता है अरबी में, मुकाबला, ठीक है, मुकाबला मतलब उर्दू वाला मुकाबला नहीं। तो फाला काबला का मीनिंग क्या है, उसने मुलाकात किया, ही मेट, ठीक है, ही मेट, मुलाकात मतलब मुलाकात माने लिखा, लिखा होता है ना, लकिया, लकिया यलका, लकिया भी फेल है मुलाकात के लिए, तो काबला का भी मीनिंग क्या है, मुलाकात करना, ही मेट, उसने मुलाकात किया, ठीक है। काबला युकाबिलु मुदारे, काबला युकाबिलु, ठीक है। जाहदा युजाहिदु, उसने मेहनत किया, उसने जिहाद किया, जाहदा उसने मुजाहदा किया, जाहदा युजाहिदु, ठीक है। तो काबला युकाबिलु, ये समझ रहे हैं, ये सब कितना फेल बन गया, अब तक तीन फेल बन गई। इस फेल में जो इजाफा है क्या है, हमजा अलिफ का इजाफा है, इस फेल में इजाफा किसका, अलिफ का, तो वो अलिफ कहाँ लगा दिया गया, फा कलिमा के बाद वो अलिफ को लगा दिया गया, ठीक है। ये अलिफ आपको नजर आ रहा है फा कलिमा के बाद में, ये देख रहे हैं, तो ये तीन तीन हम लोग मजीद फी का फेल देख लिए, ठीक है। एक कब्बला जो कि जिसका वजन क्या फाला, कि अकबला जिसका वजन क्या है अफआला, एक है काबला जिसका वजन क्या है फाआला, क्या यही था क्या, नहीं और भी वजन है, और भी अरब वाला नहीं काफ बा लाम से ही और भी वजन बनाया, ठीक है। और तो और भी क्या वजन है देखते हैं इसको, बना जा रहा है ना, तकब्बला क्या वजन है, तकब तकब्बला फेल क्या है, तकब्बला, बताइए इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या है, तकब्बला में क्या क्या एक्स्ट्रा है, मजीद क्या है इसमें, मजीद फी फेल कर रहे हैं ना, इसमें मजीद क्या है, क्या एक्स्ट्रा है इसमें, तकब्बला ता और बा एक्स्ट्रा है, सही, ता और बा एक्स्ट्रा है, ठीक है। मैंने कि इसका वजन अगर बनाया जाए तो वजन इस तरीके से होगा, फा तो है, आइन तो है, लाम भी है, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ता ऐड कर दिया गया इसमें, इसके वजन में ता को ऐड कर दिया गया, और आइन डबल है, आइन डबल गुजरा है क्या, हाँ आइन डबल इस फेल में गुजरा था ना, यहाँ पे आइन डबल था, तो समझ लीजिए यही फेल यही वजन है, इसमें बस ता को ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया तफाअला, ठीक है, ये क्या हो गया तफाअला या तफाअलु, मुदारे मुदारे अभी करने की जरूरत नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तो तफाअला हो गया ये, ठीक है, तफाअला पूरा अगर ऐसे बना दे तफाअला, ठीक है। तो फेल क्या है तकब्बला, तकब्बला का मतलब क्या है, तकब्बला तकब्बला या तकब्बलु कबूल किया, हाँ तो कबूल किया मीनिंग कर चुके हैं क्या इस बार, कुछ किसका मीनिंग था कबूल किया, उस कबीला, कबीला का था, हाँ तो आप देख रहे हैं मुजर्रद जो था फेल उसका मीनिंग क्या था, वही कबूल किया, ठीक है। मुजर्रद का मीनिंग क्या था, कबीला जो था उसका मीनिंग कबूल किया था, और मजीद फी जो हम लोग फेल अभी कर रहे हैं उसका मीनिंग भी क्या है, उसमें से एक बाप का मीनिंग क्या, कबूल किया, ही एक्सेप्टेड। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी फेल में ये आपको लिखना होगा, हाँ ऐसे नहीं बैठिएगा, कॉपी ले करके बैठना है आपको साथ में, ये लिखना होगा, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, उसको बाद में लिखना होगा, ठीक है, आज ही। तो हो सकता है ऐसा कि मुजर्रद में जो मीनिंग है ही एक्सेप्टेड, वही मीनिंग हर्फ में इजाफा करके भी वही मीनिंग आ गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कुछ बारीक फर्क है, कुछ बलागत के एतबार से डिफरेंस हो गई, लेकिन इस तरह का ऐसा चीज हो सकता है कि मुजर्रद में वही मीनिंग है और मजीद फी में भी क्या है वही मीनिंग है, तो इसमें से कोई भी इंसान चाहे इस्तेमाल कर सकता है, मुजर्रद कबीला इस्तेमाल करना चाहता है तो इस्तेमाल कर सकता है, तकब्बला इस्तेमाल करना चाहता है इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये अरब वाले के हिसाब से डिपेंड करता है, अरब वाले इसको दोनों में इस्तेमाल करते हैं, कबीला भी इस्तेमाल करते हैं, तकब्बला भी इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। और कभी कभी होता है कि एक ही को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या कभी कभी हो सकता है मुजर्रद इस्तेमाल ही नहीं होता है, सिर्फ उसका मजीद ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे फेल है अहब्बा युहिब्बु, उसने मोहब्बत किया, ही लाइक्ड, उसने पसंद किया, उसका मुजर्रद इस्तेमाल ही नहीं होता। हबीबा हब्बा युहिब्बु इस्तेमाल ही नहीं होता है, उसका सिर्फ मुजर मजीद ही इस्तेमाल होता है, हब्बा युहिब्बु। खैर ये अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो खैर तकब्बला जो है उसका मीनिंग वही कबीला का मीनिंग है, उसने कबूल किया। और तकब्बला में एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये ता एक्स्ट्रा है और एक आयन जो है आयन कलिमा एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ। ठीक है, समझ रहे ना। ये दो एक्स्ट्रा है, गायबा डबल आयन डबल हो गया। अच्छा उसमें क्यों कर दिया, तो एक्स्ट्रा है और ये आयन डबल हो गया, ठीक है। ये है तो देख रहे हैं आप, एक ही फेल जो है वो अलग अलग मीनिंग एक ही फेल से मुजरद फेल तो उससे अलग अलग फेल को डिराइव किया गया, निकाला गया, ठीक है, निकाला गया। और जो निकाला गया जाहिर सी बात है मीनिंग उसका क्या होता है, अलग होता है, और कभी कभी सेम भी हो सकती है, जैसे कि तकब्बल और कबीला, ठीक है। अच्छा क्या इतने में रुकेंगे अरब वाले ने, इतने ही में रुक गए, नहीं आगे उन लोग आगे भी बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ के क्या उन्होंने किया कि एक और बनाया फेल, ठीक है, यही कबीला है, ये काफ बाला में अरब वाले ने ऐड किया कुछ, क्या ऐड किया, इस्तकबला, इस्तकबला यस्तकबिल, क्या हो गया इस्तकबला। क्या एक्स्ट्रा है इसमें, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, सीन, हमजा सीन और ता, हाँ हमजा सीन और ता, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इस्तक इस्ता, इस्ता एक्स्ट्रा है, ठीक है, इस्ता, तो इस्ता जो एक्स्ट्रा है इसका वजन फिर क्या हो गया, क्या हो जाएगा अगर वजन बना इस्तफ़अला, हाँ इस्तफ़अला, बहुत अच्छा इस्तफ़अला, ठीक है, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तफ़अला, ठीक है, ये हो गया। इसकी मिसाल ऊपर में ब्लैक में इस्तक़बला, और मीनिंग क्या होगा इसका, इस्तक़बाल करना, मीनिंग क्या होगा, ही वेलकम, उसने इस्तकबाल किया, ही वेलकम, उसने इस्तकबाल किया, इस्तकबाल वही है ना, कबूल का मीनिंग है, उसने इतना कबूल किया कि उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट चला गया, या घर में उसका धूमधाम से भरे अच्छे से वेलकम उसको किया, ठीक है। तो उसका मीनिंग लिंक होता है मजीद फी का जो फेल होता है उसका मीनिंग में ताल्लुक होता है मुजर्रद से, कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है अक्सर, ठीक है। ये तो कितना वजन हम लोग कर लिए देख रहे हैं, 6-5 वजन, यही फेल था उससे अलग अलग वजन आप देख रहे हैं डिराइव किया गया है, कबीला कब्बला अकबला काबला तकब्बला इस्तकबला, इस तरीके से वजन क्या होता है बनाया, अरब वाले बनाते, हम खुद नहीं बना सकते वजन, हाँ अक्सर दफा वजन देखना है कि वो वजन तो आप बना सकते, लेकिन देखना होगा वजन इस्तेमाल अरब वाले करते कि नहीं करते, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, आप वजन बना सकते हैं। और जब वजन बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जाहिर सी बात है वो इस्तेमाल होगा ही, होता ही होगा अरबी में, ठीक है, लेकिन फिर भी देखना चाहिए डिक्शनरी में कि ऐसे ये वजन अरब वाले इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, इस माने में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर आप उसको पहचान बना सकते हैं, आम जो फेल होगा उससे आप वजन ईजिली बना सकते हैं इस तरीके से। ये देख रहे हैं टोटल कितना हम लोग बाप किए, 5, ठीक है, ये 5 हो गया यहाँ पे, ये एक फ़ाला अफ़ाला फ़ाला तफ़ाला इस्तफ़ाला, ये 5 अबवाब किए। तो जो आया था तस्किरा ना 12 अबवाब हैं मजीद फी के, तो ये 12 इस तरीके से 12 अबवाब है मजीद फी के, ठीक है, इस तरीके से कितना 12 अबवाब है मजीद फी के, ठीक है। और एक मिसाल जैसा देखिए, एक फेल है अगर लिया जाए क्या, उसने समझा, ठीक है, क्या फेल होता है उसने समझा के लिए, फहीमा फहीमा, ठीक है। अब उसको इस बाब में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बाब में लाना है फहीमा को, कैसे पढ़ेंगे उसको,
इस बाब में लाना है फहमा फहमा, ठीक है। तो फहिमा मतलब होता है उसने समझा, फहमा मतलब क्या होता है उसने समझाया, ठीक है। फहिमा मतलब उसने समझा, वो समझा, फहमा उसने समझाया, देख रहे हैं ना इस तरीके से। और जो है साल ले लेते हैं क्या, इसको ब्लैक में करने से ज्यादा मुनासिब रहता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कुछ हम लोग कर ले रहे हैं। तो फहिमा से क्या बन गया, फहमा। और मिसाल देख सकते हैं, नजला, नजला मतलब वो उतरा। इस बाब में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नजला उसने उतारा, उसने उतारा। हाँ तो देखिए मीनिंग थोड़ा सा मैच कर रहा है ना, फहिमा उसने समझा, फहमा उसने समझाया, नजला वो उतरा, नजला उसने उतारा, तो मीनिंग इस तरीके से मैच करता है, कुछ ना कुछ लिंक रहता है, उसका ताल्लुक रहता है। मुजर्रद में एक मीनिंग है तो अब मजीद फी में उसका कुछ और मीनिंग, तो उससे मिलता जुलता कोई माने अक्सर रहता है, ठीक है। इस तरीके से तो इसका भी बाब होगा, ऐसे इस बाब में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अफहमा उसने, हाँ अफहमा, ठीक है। इस बाब में लाएंगे नजला को, इस बाब में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नजला को इस बाब में लाएंगे अनजला, नजला का एक ही मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग, कुछ बारीक फर्क है लेकिन सिमिलर मीनिंग है, नजला अनजला, देख रहे हैं ना। तो ये जो अलग अलग बाब में ये सब फेल कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको कहते हैं ये सब नहीं, ये मुजर्रद से जो अलग अलग वजन जो हम लोग देखे हैं ब्लू कलर में आज, इसको औजान, अलग अलग बाब कहते हैं, ठीक है ना। और ये हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक करते हैं, इतना ही काफी फिलहाल है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हम लोग मिलेंगे तो आपका हम एक एक बाब करके डिटेल्स में देखेंगे कि इस एक एक बाब का मीनिंग क्या है। कब्बला को स्टडी करेंगे अलग से, यानी कि फ़ाला को स्टडी करेंगे, अफ़ाला को स्टडी करेंगे, इसमें कुछ बारीकी कुछ चीज़ है उस नुक्ते को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में कर लीजिएगा। अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह हम लोग अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।